वहीं राजौरी में टीम जम्मू की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था कि राज्य को किस तरह से नशा मुक्त और जो ड्रग्स माफिया हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाए। दरअसल आपको बता दिया जाए, टीम जम्मू जो है वो एक संस्था है जो ड्रग और नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजौरी पुलिस की भी तारीफ सराहना की गई। दरअसल राजौरी पुलिस ने हाल ही में 23 ड्रग माफियाओं को पकड़ा था जिनके पास से नशे के कई सामान बरामद हुए थे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं नशे की, तो देश का जो युवा है, अगर जम्मू कश्मीर की भी हम बात करें, तो यहाँ पर युवा नशे की ओर ज़्यादा दिखते हैं आकर्षित होते हुए। इन युवाओं को नशे की ओर आकर्षित ना किस तरह से ना हो नशे की ओर आकर्षित, उसको लेकर समय समय पर नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। टीम जम्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए। वैसे जम्मू पुलिस ने यहाँ संजीवनी के नाम से एक ड्राइव शुरू की है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इतने ज़्यादा तादाद में ड्रग पेडलर्स जो हैं पकड़े नहीं गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और खासकर जम्मू खित्ते की बात करें, ऐसी क्रैकडाउन हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर टाउनशिप में होने चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है ड्रग पेडलर्स आज के इस दौर में हर जगह पहुँच गए हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाना